मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनीषा का पाठ 5, जो कि है संधि। हमने पढ़ा दो शब्दों या वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार और परिवर्तन को संधि कहते हैं। इससे नए शब्द का निर्माण होता है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, जो कि मुख्य रूप से तीन प्रकार से होता है। इसमें सबसे पहला हमने पढ़ा संधि, स्वर संधि, और उसके भी हमने 5 भेद पढ़े। स्वर संधि वहाँ होती है जहाँ स्वरों में परिवर्तन होता है, स्वरों में विकार उत्पन्न होता है। इसके हमने 5 भाग पढ़े, 5 भेद पढ़े स्वर संधि के, जो कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि हमने पढ़ा। अब इसके आगे के भाग हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। व्यंजन संधि, तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर के समीप होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब तक हमने स्वर संधि में पढ़ा था स्वरों के पर मेल से परिवर्तन होना स्वर संधि कहलाता है, तो व्यंजनों में परिवर्तन होने से व्यंजन संधि कहलाता है। और व्यंजन का परिवर्तन तब होगा जब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो अथवा व्यंजन का स्वर से मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। इसमें पहला नियम है कि यदि त के आगे कोई स्वर अथवा व्यंजन आता है तो त के स्थान पर द हो जाता है। जैसे स के साथ त के साथ में ग आया तो यहाँ पर द बदलकर हो जाएगा द। जैसे सदगति, यहाँ पे गति शब्द वैसे ही है लेकिन सत का त जो है वह द में बदल गया। इसी तरह उद्घाटन में उत् धन घाटन, तो घ वैसे ही है लेकिन उससे पहले वाला जो त है वह द में बदल गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि त के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आए तो त बदल कर हो जाएगा द। अगला नियम है जब त के आगे श आता है तो त का च और श का छ हो जाता है, यानी जो त है वह बदलकर च बन जाएगा और जो श आया वह छ हो जाएगा। उदाहरण जैसे उत्शिष्ट, यहाँ पर त और श बदलकर त बदला च में और श बदला छ में, तो यह बन गया उच्छिष्ट। इसी तरह सत धन शास्त्र में त च में और श में बदल गया और ये मिलकर बन गया सच्छास्त्र। अगला नियम जब त के आगे ल आता है तो त के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे उत धन लेख मिलकर बन गया उल्लेख, यानी त का परिवर्तन ल में हो जाता है। उत धन लास मिलकर बना उल्लास। इसी तरह अगला नियम है कि जब त वर्गीय अक्षर यानी त थ द ध अक्षर के आगे ट वर्गीय अक्षर यानी ट ठ ड ढ न आए तो त वर्गीय अक्षर के स्थान पर ट वर्गीय अक्षर हो जाता है। यानी त के साथ में त थ द है तो यह आधे स्वर उसी के अनुरूप वर्ण में बदल जाएंगे और ट वर्ग का जो है अक्षर उसके वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उत धन डयन उड्डयन बन जाएगा, उत धन टीका उट्टीका बन जाएगा। यानी त या त से त वर्गीय यानी त थ द ध अगर आते हैं और उनके बाद में ट या ट के साथ के जो वर्ग के जो अक्षर हैं जैसे ट ठ ड ढ ण, तो इनका परिवर्तन उसी अक्षर में हो जाएगा, ट वर्गीय अक्षर में इन्हीं में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ त के साथ ड आया तो त परिवर्तित होकर इसी में ड में बदल गया। अगला नियम है म के बाद यदि य र ल व श स और स आए या ह आए तो यह म के अनुस्वार के रूप में व्यक्त किया जाएगा, यानी यह बिंदी के रूप में बदल जाएगा। जैसे सम धन साधन संसाधन और सम धन योग संयोग, तो यहाँ पर स आया है और य आया। इसी तरह जब य र ल व श स स ह आएंगे तो म का परिवर्तन बिंदी में यानी अनुस्वार में हो जाएगा। अगला देखते हैं विसर्ग संधि।
विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? दो बिंदी से, अनुपात जैसी जो बिंदियाँ लगाते हैं उससे विसर्ग का बोध होता है। और इसकी ध्वनि है ह के समान होती है। संधि में जब विसर्ग के साथ में कोई स्वर या व्यंजन आए तो उनमें जो परिवर्तन होगा या विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग में जो मुख्य परिवर्तन होते हैं उसमें सबसे पहले र में परिवर्तन होना, विसर्ग का र में बदल जाना। यह कब होता है? जब विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर यदि कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग का मेल किसी भी स्वर या स्पर्श व्यंजन के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल व ह से हो तो विसर्ग र हो जाता है। यहाँ मैंने कहा स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन है जिसमें जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वह मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। इसमें आते हैं क से लेकर म तक के सभी वर्ग वर्ण, जिसमें पांच मुख्य वर्ग हैं क च ट त प, ये वर्ग। और इसके अलावा य र ल व ह, ये अगर आते हैं तो विसर्ग का जो परिवर्तन र में हो जाता है। जैसे नीह धन आहार बना निराहार, यानी विसर्ग के बाद में आ से पहले र आ जाएगा। इसी तरह आशी धनवाद मिलकर बना आशीर्वाद। अगला नियम विसर्ग का स में परिवर्तित होना। तो विसर्ग का मेल यदि त थ स से हो तो विसर्ग स हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद में यदि दूसरा जो शब्द जिसे हमें जोड़ना है वह त थ या स से शुरू होता है तो विसर्ग बन जाएगा स। जैसे नमः धन ते नमस्ते, निह धन संतान निसंतान। इस प्रकार यदि त थ स से शुरू होने वाले शब्दों को जोड़ा जाएगा तो यह बन जाएगा विसर्ग स में, यानी आधा स उससे पहले जुड़ जाएगा। अगला विसर्ग का श में परिवर्तन। तो विसर्ग से पूर्व यदि कोई स्वर हो तथा विसर्ग का मेल च छ या श से हो तो विसर्ग श हो जाता है। जैसे निह धन चल निश्चल निश्चल, और दुह धन शासन दुशासन। तो इस प्रकार विसर्ग से पूर्व च छ श है तो विसर्ग बदल कर बन जाएगा श। अगला विसर्ग का श में परिवर्तन यानी मूर्धन्य श में परिवर्तन। विसर्ग से पूर्व यदि ई या ऊ हो तो विसर्ग का मेल क ख ट ठ प या फ से हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। यानी विसर्ग के पूर्व यदि जो मात्रा है वह ई या ऊ की है और उसके बाद में क से शुरू होने वाले या ट या ख या ठ प या फ से शुरू होने वाले शब्दों को जोड़ते हैं तो विसर्ग श बन जाएगा। जैसे नीह कपट का बन जाएगा निष्कपट, दुह धन प्रवृत्ति मिलकर बन जाएगा दुष्प्रवृत्ति। इसी तरह विसर्ग लोप और विसर्ग का जो पूर्व स्वर है उसका दीर्घकरण होना। जैसे विसर्ग का र से मेल हो, विसर्ग के बाद में र आए और तो वहाँ पर ल का र का लोप हो जाएगा और पहले वाला जो स्वर है वह बन जाएगा दीर्घ, उसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी। जैसे नीह धन रज नीरज, नीह धन रोग मिलकर बना नी रोग। तो इसका मतलब यहाँ पर विसर्ग का र से मेल होगा तो र का लोप हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा और उससे पहले वाला स्वर दीर्घ बन जाएगा। इसी तरह विसर्ग का लोप यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ और विसर्ग का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे तत धन एव मिला मिलकर बना ततैव, यानी विसर्ग वहाँ पर हट जाएगा। इसी तरह अत धन अतः धन एव मिलकर अतैव बना तो यहाँ विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। और अंतिम नियम विसर्ग का ऊ में परिवर्तन। तो विसर्ग से पहले यदि हस्व हो और उसका विसर्ग का
मेल अ या स्पर्श व्यंजन यानी क से लेकर म तक के किसी व्यंजन के वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण यानी क वर्ग में ग, घ और ड से हो तो पांचवें वर्ण या य, र, ल में से कोई हो तो विसर्ग उ में बदल जाएगा और अ और उ मिलकर ओ बनता है, तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन। जैसे वयह धन वृद्ध मिलकर वयोवृद्ध, मनह धन विनोद मिलकर मनोविनोद। तो इस प्रकार यह थी विसर्ग संधि। इसके अलावा संधि विच्छेद कहलाता है। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना, जैसे शिवालय को शिव धन आलय में बदलना, टुकड़े करना उसके, इसी तरह महोल्लास को महाधन उल्लास और स्वागत को सुधन आगत में बदलना यानी टुकड़े करना संधि युक्त शब्दों को संधि विच्छेद कहलाता है। तो ये था हमारा संधि